डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके बुक का सेकंड पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है विंड। यहाँ इस पोएम को कंपोज किया है सुब्रमण्य भारती ने। इस पोएम में विंड, जिसको हिंदी में हवा बोलते हैं, इसके दो एस्पेक्ट को दर्शाया गया है। पहले बताया गया है कितना डिस्ट्रक्टिव होता है, और फिर बाद में ये बताया गया है कि कैसे इस डिस्ट्रक्टिव विंड को क्रिएटिव बनाया जा सकता है। तो आइए पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ देयर, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, lives, crumbling hearts. अब यहाँ देख रहे हैं कि इस पूरे स्टेंजा में विंड के डिस्ट्रक्टिव पॉइंट को, डिस्ट्रक्टिव उसके जो पावर है उसको बताया जा रहा है। कि विंड को एड्रेस करते हुए पोएट कह रहा है कि कम सॉफ्टली, आराम से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडो के शटर्स हैं उनको मत तोड़ो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स हैं, कागज हैं, उनको मत बिखेरो, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में, जो अलमारी में किताबें रखी हुई हैं उनको ना फेंको, क्योंकि हवा उड़ा देती है। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सबको गिरा दिया, फेंक दिया, यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक, तुमने किताब के जो पेजेस थे उनको फाड़ डाला, यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश लेकर आ गए, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, तुम बहुत चालाक हो एट पोकिंग फन, मजाक उड़ाने में, एट वीकलिंग्स, कमजोरों की, जो भी कमजोर होते हैं उनका मजाक उड़ाने या उनका उपहास करने में तुम बहुत आगे हो या बहुत चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, अब तुमने क्या किया कि जो घर थे कमजोर उनको गिरा दिया, क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे को गिरा दिया या तोड़ दिया, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, जो रेफ्टर्स होते हैं उनको भी तुमने ढा दिया, रेफ्टर्स होते हैं जो छत या किसी सीलिंग को संभालने लिए जो बीम बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है रेफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी को बिखेर दिया या तोड़ दिया, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, बॉडीज को अब तुमने क्रम्बल कर दिया, क्रम्बलिंग लाइफ्स, जीवन को तबाह कर दिया, क्रम्बलिंग हार्ट, दिलों को तबाह कर दिया। अब इस तरह से बताया गया है कि विंड के कितने डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स हैं या वो क्या क्या डिस्ट्रक्शन कर सकता है। आगे देखते हैं, विंड गॉड बिनोज एंड क्रशेस देम ऑल, तो विंड गॉड मतलब जो हवा की देवता ने क्या किया कि बिनोज एंड क्रशेस देम ऑल, बिनो आप जानते हैं, बिनोइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें अनाज को एक सर्टेन हाइट से, 3 से 4 फीट ऊंचाई से गिराया जाता है, और उससे क्या होता है, जो उसका भूसा होता है वो और जो अनाज होता है वो अलग हो जाते हैं, हवा में उसको उड़ा जाता है, हवा जो होती है उस भूसे वाले पार्ट को उड़ा देती है, अनाज को नीचे गिरा देती है। तो ये बोल रहा है कि जो ये हवा ने क्या किया कि जो कमज़ोर चीज़ें थी उन सबको उड़ा के अलग कर दिया। ही ओन डू वाट यू टेल हिम, अभी कह रहा है कि हवा जो है वो नहीं करेगी जो आप उसे कहने के लिए मतलब करने के लिए कहोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आओ, क्योंकि हवा तो हमारे कहने से चलने से रहा, तो आइए क्या करना है, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने घरों को ही मजबूत बना लेते, इतना मजबूत बना लें कि उस पर हवा का असर ही ना पड़े। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, आइए हमने दरवाजों को मजबूत बना लें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अब क्या है
कि अपने बॉडी को इतना मजबूत बनाने का अभ्यास कर लें या बना लें। मेक हर्ट्स स्टेड फास्ट, अपने दिलों को दृढ़ बना लें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा करो तो इसका क्या होगा कि जो हवा है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि हवा जो होती है जो कमजोर चीजें होती हैं उन्हें उड़ाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन जो मजबूत चीजें होती हैं उसको ये क्या करता है, रो एंड फ्लरिश मतलब ये है कि इसको और बढ़िया और संपन्न और बेहतर बना देता है। यहाँ फायर से इसको कंपेयर किया गया। आप जानते हैं कि जो हल्की आग रहती है तेज हवा चलने बुझ जाती है, लेकिन जो मजबूत आग रहती है वो क्या होता है, हवा चलने से और भभक के जलने लगती है। लेकिन एक्चुअल कंपैरिजन जो है इसका कमजोर और मजबूत लोगों से किया गया है। जो कमजोर लोग होते हैं वो मुसीबत रूपी हवा आने पे क्या होता है कि वो बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वहीं मजबूत लोग जो होते हैं वो दृढ़ हो जाते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, हवा की जो दोस्ती है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी हर दिन प्रशंसा करते हैं। तो बता रहा है अगर हम हवा को दोस्त बना लें तो वो बहुत अच्छा है, हम उसकी हर दिन प्रशंसा करेंगे। मतलब यूज से है कि अगर आपको आप हवा का सही तरीके से यूज जान जाएं तो काफ़ी बेहतर है आपके लिए। खैर, इस तरह से आपका पोएम फिनिश हुआ, अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।